गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूँ नताशा। बात करेंगे यहाँ पे पिंकी फतरोड के बारे में। भैया इतना जाने किस चीज़ का एटीट्यूड दिखा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। गुस्सा अगर अपने परिवार वालों पर हो तो फिर सब्सक्राइबर को, व्यूवर्स को इतना ज़्यादा इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करने का मतलब क्या बैठता है जी। उनकी एक वीडियो आई जो कि शायद रात सुबह मैंने वो वीडियो देखी थी, और जब से मैंने ध्यान नहीं दिया था अभी शाम को ही फिर वो वीडियो देखी, पूरी वीडियो देखी। उसमें वो कुछ चीज़ें सही बोल रही थी, लेकिन जो बोलने का तरीका था और उसके बाद में पब्लिक के साथ रिएक्ट करने का तरीका था वो बहुत गलत है। मुझे समझ में नहीं आता, आपको भी पता है कि ये जो पब्लिक है आप लोगों को इतना प्यार देती है या कुछ भी देती है, सपोर्ट करती है, इनकी वजह से आप लोग आज यहाँ पर हैं। लेकिन फिर भी कुछ व्लॉगर्स, कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं जो इनके लिए इतने गंदे एटीट्यूड से बात करते हैं। सिर्फ कहीं पर अगर वो लोग गलत चले जाते हैं तो आप लोग प्यार से क्यों नहीं समझाते? इतना एटीट्यूड दिखाने का, इतना गुस्सा दिखाने का क्या मतलब रहता है? आप दो चार लोगों के ऊपर अगर गुस्सा है तो उनके ऊपर पर्सनली गुस्सा दिखाइए, उनका नाम लेके दिखाइए। सबको एक लाठी से हाँकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग समझते नहीं है कि इसका इफेक्ट आप पे क्या पड़ेगा। एक टाइम पे आपको इतनी नफरत मिलने लगेगी कि आप परेशान हो जाओगे कि अब क्या करें, और उसका रीज़न कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ खुद होंगे, क्योंकि आप ये बिहेवियर कर रहे हैं पब्लिक के साथ में। पब्लिक की क्या गलती है? सिर्फ वो सवाल करते हैं? सब तो एक जैसे नहीं होते। पब्लिक क्या आपके घर में गई थी ये पूछने के लिए कि आपकी शादी कौन सी शादी है, कितने नंबर की शादी है, आपकी शादी कैसे हुई, आपने क्यों शादी की, उसके बाद आप लड़े क्यों, आप तलाक क्यों ले रहे हैं, क्या आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है? पब्लिक तो कुछ भी करने नहीं गई थी, जो चीज़ें बताई है सोशल मीडिया पर आप लोगों ने बताई है। लेकिन आप आज खुद की वीडियो में बहुत कुछ सच्चाई बोल गए जो कि शायद पब्लिक को बहुत दिनों से पता है। सबसे पहली बात तो ये, हम की स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि भाई जो फतरोड़ साहब हैं यानी कि विकास है वो पिंकी के पास है ही नहीं, ये बात सोनू ने झूठ बोली है। वो तो कब के उनके पास से भाग चुके हैं, जो कि प्रूफ हो गया कि भाई सामान भी लेके भागे हैं, अपने कपड़े तक लेके वो चले गए हैं वहां से। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं ये नहीं पता। लेकिन एक चीज देखी होगी आपने, विकास फतरोड़ की जो इंस्टाग्राम पर रील आ रही है वो उन्हीं के घर के आसपास की, लोग बता रहे हैं कि लोकेशन उनके घर के आसपास की है। फिर से मैं पॉइंट दोहराऊंगी, लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनके घर के आसपास की है। मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ क्योंकि लोग शायद उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। बट अब आपको बता दें कि वो आसपास हो सकते हैं, किसी और के घर में हो सकते हैं, लेकिन पिंकी के साथ वो नहीं है। पिंकी ने ये भी कहा कि भाई मैं तलाक दे रही हूँ अब उनको, ठीक है। उन्होंने कहा था 4.5 महीने बाद तलाक हो जाएगा, लगभग 1 महीना इनका हो चुका है, सब कुछ वह है। देखिए किसी का घर टूटे या सवरे ये हम कुछ नहीं कर सकते। जो इंसान इतने एटीट्यूड में पब्लिक से बात कर रहा है वो चीज़ मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यही पब्लिक इनको सर पे चढ़ाती है, यही पब्लिक की ये इतनी बेइज्जती करते हैं। भाई आपके घर में पब्लिक घुसने गई थी, आपके घर में पब्लिक जबरदस्ती घुसी थी कि नहीं हमें बताओ कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? आपको आप सोशल मीडिया पर आप लोग आते हो, अपनी लाइफ को बताना शुरू करते हो, लोगों को आपसे अटैचमेंट हो जाता है, दीदी भैया जीजू पता ही नहीं क्या क्या कह के बुलाने लगते हैं। उसके बाद में आपकी लाइफ में सब कुछ जब तक अच्छा चलता रहे तो ये पब्लिक भी अच्छी लगेगी आपको। लेकिन जब आपको बुरा चलने लग जाए तो ये पब्लिक अगर सवाल पूछने लग जाएगी तो आपको एकदम से इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ जाता है लोगों को, समझ में नहीं आता। और अगर गुस्सा भी आ रहा है, आपको पता है कि अगर 10 लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, 10 में से 5, 2, 4 आपको बुरा बोल रहे हैं, तो उनका बुरा बोल रहे हैं उनको रिप्लाई दो ना। हर एक के साथ इतना एटीट्यूड, हर एक के साथ इतना एटीट्यूड, इससे पहले भी आपने जो वीडियो बनाई उसमें भी इतना ज़्यादा, अब भी इतना ज़्यादा, क्यों भाई? किस चीज़ का, किस चीज़ का घमंड आप पब्लिक को दिखा रहे हो? जिस क्योंकि आपको किसी की बात बुरी लग रही है तो फिर आप ये चीज़ें दिखा रहे हो। तो भाई जिस दिन आप ये चीज़ें खोलने के लिए आए थे कि मैं डाइवोर्स ले रही हूँ, उसी दिन बात क्लियर बतानी चाहिए थी ना। आपने बहुत बोला मैं खोल दूंगी, लेकिन खुला तो कुछ भी नहीं, आपने वहां पब्लिक का बना दिया।
अब जब पब्लिक सवाल उठा रही है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है आपका टारगेट किसी एक इंसान को, दो इंसान को या किसी और को दिखाने के लिए हो, लेकिन मैडम जिस तरीके से बिहेवियर आपने किया है ना पब्लिक के साथ में आज, वो बहुत ज़्यादा गलत है। इतना एटीट्यूड सही नहीं है। आप कहते हो मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ, अगर यही एटीट्यूड रहा ना तो कब ये पब्लिक आपको सपोर्ट करना बंद कर दे, कब ये जो प्यार है इस हेट में बदल जाए और कब लोग आपको देखना बंद कर देना, कुछ नहीं पता चलता। हर एक का डाउनफॉल आता है, लेकिन जो इतना घमंड रहता है ना उसका जल्दी आता है। तो थोड़ा सा अपना बिहेवियर को सुधारिए। हर एक चीज में आपका खराब टाइम चल रहा है, आपकी कंडीशन सही नहीं है, वो चीज सब समझते हैं। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वो चीज सब समझते हैं। लेकिन एक दो लोगों के लिए, एक दो अगर आपको बुरा बोल रहा है, तो उसके लिए आप पूरी पब्लिक को टॉर्चर करना, पब्लिक को गंदा बोलना। अब ऐसा तो नहीं है जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे वो ये वीडियो नहीं देखेंगे, उनको बुरा फील नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात, उनको बुरा फील होगा। तो थोड़ा सा अपने बिहेवियर में थोड़ा सा प्यार बरसाएंगे ना, थोड़ा सा अच्छाई बरसाएंगे, तो ही लोग आपको वापस प्यार देंगे। नहीं तो फिर यही एटीट्यूड रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।